उन सभी फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स को समर्पित है जो अपने काम से दूसरों का दिल जीत लेते हैं। फोटोग्राफी एक ऐसा वर्ड जो आप सभी ने सुना ही होगा। बहुत से लोग इसे ट्रेंड मार्कर फॉलो कर रहे हैं, शायद फेम कमाने के लिए और नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ाने के लिए। पर मेरे ख्याल से फोटोग्राफी एक आर्ट से पैदा होती है जो मैं बचपन से करता था। हाँ, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, उसी से मेरा मन फोटोग्राफी की तरफ खींचा और मैं निकल पड़ा अपने कैमरे को लेकर कुछ बेहद अनोखे पल कैद करने, बिना फेम और लाइक्स के बारे में सोचते हुए, जस्ट फॉर फॉलो माई पैशन। जब भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो एक्चुअली मैं उसे इंजॉय करता हूँ। ऐसा एक और भी है जिसे ऐसे काम का बहुत शौक है, बट वो फोटोग्राफी नहीं वीडियोग्राफी का शौक रखता है। सुनने में जितना आसान लगता है उससे काफी ज्यादा मुश्किल है ये काम। जब मुझे उसके टैलेंट का पता चला तो हमने मिलकर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अपने टैलेंट को सही डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि यूट्यूब ही एक जरिया था जिसके थ्रू हम अपना काम प्रेजेंट कर सकते थे और यकीन कीजिए हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। आज मैं उसी से ही मिलने जा रहा हूँ, हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं और मैं उसकी मदद करने वाला हूँ। तो मैंने उसे मिलकर अपना आइडिया डिस्कस किया, उस इक्विपमेंट के बारे में भी उससे समझाया कि कैसे वो इक्विपमेंट काम करेगा वीडियो को बेहतर शूट करने में। और हम लग गए अपने काम करने। काफी सारे प्लेटफॉर्म से नॉलेज लेनी शुरू करी। पैसों की कमी के कारण हम कैमरा इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकते थे तो हमने उन्हें घर पर तैयार करना शुरू किया। कैमरा जी, रोटेटिंग टेबल जैसी बहुत सी चीज़ें हमने घर पर ही तैयार करनी शुरू की, जिससे हमारे काफ़ी पैसे बच गए थैंक्स टू आवर इमेजिनेशन, जिसके थ्रू हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। इस लॉकडाउन के कारण हम अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठे थे, पर फिर भी इस काम को करने में मज़ा ही आता है। मेरा तो ये मानना है कि जो चीज़ आपको खुशी दे उसको करते रहना चाहिए। हालांकि हमें ये नहीं पता कि ये सब चीज़ें फ्यूचर में हमारे कुछ काम आएंगी भी या नहीं, बट वो कहते हैं ना, अगर तुम अपने काम से प्यार करते हो तो उसका रिजल्ट कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। तो बस अपना काम करते जाओ। स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग डॉट्स वाली कहानी सुनी ही होगी आपने। इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखता ही रहता है, सो कीप ट्राइंग, कीप क्रिएटिव। पर इन सब चीज़ों के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि आपके ड्रीम्स और इमेजिनेशन आपको वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। रिमेंबर गाइज, ऑलवेज फॉलो द लाइट। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुशियाँ पाई जा सकती हैं अगर हम थाम के रखें रोशनी का दामन।